कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारबिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुबे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली पूजा की माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा हम उस दिन विधि विधान से कैसे करेंगे, तो मैं संपूर्ण विधि आपके साथ शेयर करूंगी। और गणेश जी को कौन सी एक चीज़ जरूर उस दिन चढ़ाइएगा जो बहुत अधिक शुभ माना जाता है, और माता लक्ष्मी को कौन सी एक चीज़ बिना दिए आपको लक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए भी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि माता की पूजा हमें कैसे करनी है और गणेश जी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, तो इस साल हम 2021 में दिवाली की पूजा करेंगे 4 नवंबर को। दिन है गुरुवार, बड़ा ही शुभ दिन है। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। कभी भी किसी भी हम अच्छे कार्य की शुरुआत भी गुरुवार को करते हैं, और भगवान विष्णु का भी दिन माना जाता है गुरुवार का दिन। तो हम पूजा करेंगे उस दिन माता लक्ष्मी की, और पूजा की संपूर्ण विधि थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, सुबह से हम अच्छे से पहले अपने घर में जो साफ़ सफाई है वो तो हम धनतेरस में ही कर लेते हैं, जो बाकी बचा रहता है वो हम दिवाली से एक दिन पहले कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ज़्यादा मतलब शाम को साफ़ सफाई शाम तक करना भी शुभ नहीं होता। आप पहले ही दिन में अपने आसपास ड्रेन नाली वगैरह सब साफ कर लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का निगाह घर से ज़्यादा आपके आसपास पे रहती हैं। माता उन्हीं सब जगहों पे निवास करती हैं जहाँ वो साफ़ सफाई देखती हैं, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा आपको रखनी चाहिए। अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा, जो कि मैं बता चुकी हूँ, एक कपड़े को भिगा कर सारे भगवान लोग की प्रतिमा और फोटो को पोछ लीजिएगा। जितने मंदिर में पूजा के बर्तन हैं सबको धो दीजिएगा पीताम्बरी से, या जिस भी चीज़ों से आप धोती हैं जिससे आपको आसानी पड़ती है धो लीजिएगा। उसके बाद आपको शाम की पूजा कैसे करनी है, देखिए कई सारे लोग हैं ना कि आधी रात में मतलब पूजा करते हैं, जो सेठ मुनीम होते हैं ना वो रात को पूजा करते हैं 12 बजे रात के आसपास, लेकिन हम लोग तो शाम को ही जिस समय दिया जलाते हैं दीपक जलाते हैं उसी समय हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम खा पी के पूजा नहीं करते, हम व्रत नहीं रखते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा शाम के टाइम ही हम करते हैं, पहले चारों तरफ दीपक जलाते हैं अपने घर में, सरसों तेल का, तिल के तेल का, जिस भी चीज़ों का आप दीपक जलाना चाहती हैं जला लीजिए। उसके बाद आपको एक आम की चौकी या पट्टा मतलब पीढ़ी टाइप से आता है, उस पर पीला कपड़ा लाल कपड़ा जो ही आपको आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज होगा ही आइडिया, उस पर बिछा लीजिए। उसमें भगवान की मूर्ति हो प्रतिमा हो, आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की आप रख लीजिए। हर साल मूर्ति भी खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर मिट्टी का है तभी खरीदिए, अगर पीतल का आपके घर में मूर्ति है, पत्थर की है मूर्ति है प्रतिमा है, तो आपको ना उनको विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ जितने अधिक दिनों की मतलब पुरानी हो जाती हैं ना, उसमें और भी ज़्यादा शक्ति आते जाती है और उसमें समाहित होते जाती हैं, तो इसलिए आपको मतलब विसर्जन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पीतल के रखे चांदी के रखे तब तो आपको मूर्ति लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मिट्टी के लेते चीनी मिट्टी के मिलते हैं मार्केट में तो वो आप विसर्जन आपको करना पड़ता है उस मूर्ति की, तो वो मूर्ति आप लेकर आ गए और वहाँ भगवान को स्थापित कीजिए उस चौकी के ऊपर, और एक कलश रख दीजिए, जो कि कलश हर पूजा पाठ में जैसा कि हम रखते हैं 5 आम पल्लों के साथ या 7 आम पल्लों के साथ उस कलश में डाल दीजिए। नीचे बेदी सा बना लीजिए हल्दी और आटे से या चावल से रंगे हुए, मतलब चावल से भी बेदी बना लीजिए, स्वास्तविक बना दीजिए लोटे के ऊपर, 5 जगह या तो टीका कर दीजिए और वो कलश रख के उसमें फूल
अक्षत, पैसा, हल्दी है तो हल्दी सब डालकर कलश में आपको रख देनी चाहिए। कलश भी आपने रख लिया, उसके आगे माता लक्ष्मी को एक लाल वस्त्र आपको ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, मालाएं मिलती हैं, वो मतलब आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, फूल के भी माला आपको ओरिजिनल वाले चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को आप पीला वस्त्र उस दिन दीजिए, चंदन लगाइए, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए और अपना पूजा आप शुरू कीजिए। और जो ही ऋतु फल है, ड्राई फ्रूट्स है, मिठाइयाँ हैं तरह तरह की, भगवान को एक चीज़ ज़रूर चढ़ेगा फल में, मतलब भोग में, वो क्या है, लड्डू। लड्डू चढ़ेगा और साथ साथ एक चीज़ ज़रूर उस दिन गणेश जी को चढ़ेगा, वो कौन सी चीज़ है, वो चीज़ है जनेऊ। जनेऊ आप लोग को मालूम ही होगा, वो जनेऊ गणेश जी को आप ज़रूर पहना दीजिएगा। और माता लक्ष्मी को पूजा पाठ आप कर लीजिएगा, हाथ में आम पल्लू का रिंग जरूर पहन लीजिएगा, किसी भी पूजा पाठ में उसको पहनना शुभ माना जाता है। सोना चांदी तो पहनना ही है, लेकिन साथ में वो ज़रूर पहन लीजिएगा। उसके आगे माता लक्ष्मी को आप सिंदूर तिलक सब लगाकर पूजा कर लीजिए। पांच वहाँ पर आपको दीपक जला लेनी है या सात जला लेनी है, अपने अपने घर के रीति रिवाज है। बहुत सारे लोग 25 जलाते हैं, 50 जलाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन पांच और सात से कम दीपक मत जलाइएगा। और एक दीपक कलश के ऊपर ऐसा रखिएगा, कलश के ऊपर अक्षत थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिएगा और उसके ऊपर एक दीपक जला लीजिएगा कि वो पूरी रात जले, पूरी रात माता लक्ष्मी और गणेश जी अंधेरे में ना रहें। दिवाली के दिन अखंड दिया वो हमारे घर में जलता रहे 24 घंटे, मतलब 24 घंटे तो नहीं, शाम से लेकर सुबह तक जलता रहे, उस प्रकार का एक दीपक आपको प्रज्वलित कर लेनी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और माता लक्ष्मी का पूरा अच्छे से श्रृंगार करके अगर आप चाहें तो माता लक्ष्मी को ना, और साथ साथ माता लक्ष्मी का हम आंचल भरते हैं। तो आंचल कैसे भरते हैं, तो जानते हैं, आपको पता नहीं हर राज्य में मिलते हैं कि नहीं, धान के लावा आते हैं, धान के ना, जो धान का चावल बनता है ना, उसी के लावा आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, वो खोई भी बोलते हैं किसी किसी क्षेत्र में, तो उसी से हम माता लक्ष्मी का आंचल भरते हैं। अगर वो आपको नहीं मिलता है, धान भी मिल जाए तो उससे भी माता लक्ष्मी का आप आंचल भर सकती हैं। तो आंचल भरने में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो दुर्वा चाहिए, मतलब दूध चाहिए, धान का लावा चाहिए, और पैसा चाहिए, मुद्रा मतलब द्रव्य चाहिए, और आप श्रृंगार की चीज़ें अगर देना चाहती हैं तो वो भी रख दीजिए, और हल्दी चाहिए। पांच चीज़ें तो कम से कम चाहिए, और धान का, धान चाहिए, धान का लावा, पांच लड्डू मतलब मिठाई वगैरह जो ही है पांच कर दीजिए। उसके बाद से आपको दुर्वा, हल्दी और मुद्रा मतलब द्रव्य चाहिए। इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की मतलब खोइछा भरनी है। तो खोइछा कैसे भरिएगा, एक पीला कपड़ा उनको ओढ़ा दीजिएगा, या लाल कपड़ा, लाल ही मतलब माता लक्ष्मी के लिए सही है, गणेश जी को पीला मतलब ओढ़ाइएगा, जो ही आपके पास है, लाल पीला दोनों शुभ माना जाता है, तो पहनाकर उसमें आप खोइछा भर दीजिएगा। फिर आप लोग पूछिएगा कि उस खोइछे का क्या करें, तो उस खोइछे को आप खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी की खोइछा जरूर उस दिन भरिएगा, यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो पूजा अर्चना कीजिए, दीपक जलाइए, माता की आरती कीजिए, जयकारा लगाइए, अगर आप चाहें तो पांच आरती भी माता की गा सकते हैं, लक्ष्मी जी की अलग अलग, गणेश जी की पांच आरती गाना शुभ होता है। और घंटी मतलब घंटी बजाइए, शंख नाद कीजिए अपने घर में, और अच्छे से जयकारा लगाइए। आसपास जो है दिवाली का प्रसाद वितरण कीजिए, ये सब चीज़ें तो आप लोग को मालूम भी होंगी। और अपने घर के लोगों को कलावा बांधिए, ये हाथ में ना रक्षा सूत्र जरूर उस दिन बांधिए, माता लक्ष्मी का प्रसाद। और जो खोइछा और प्रसाद है ना, उसी दिन नहीं उठाया जाता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले दिन जो माता लक्ष्मी को हम प्रसाद चढ़ा देते हैं ना, वो दिवाली के दिन नहीं उठाया जाता है, उसको अगले दिन अगले सुबह ही उठाना शुभ होता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री भगवान गणेश जी की जय।